नमस्कार जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 27 सितंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको यहां पर विस्तार पूर्वक देने वाला हूं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दूं, पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गेंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। बताएं कि बिहार सरकार ने गेंडों के संरक्षण के लिए कब राइनो टास्क फोर्स का गठन किया था, तो सितंबर 2023 में यानी कि पिछले साल, और विस्तृत तौर पर यह जानकारी हमने आपको दिया था। अच्छा, जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। मूल रूप से अगर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में आप लगे हैं तो आप हमारे सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। जो क्लासेस आपके छूट चुके हैं वो तमाम क्लासेस आपको मिल जाएंगे, सभी को आप लोग देखिए, इसका PDF फाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको जनवरी 2023 से अब तक का सारा मटेरियल मिल रहा है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। यही वाला कोर्स है, BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और आगामी एग्जाम को लेकर के आप यहां पर टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। ये आप खुद से मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, और समय रहते एकदम सुचारू रूप से अगर आप इसे संचालित करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए, आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में, आप देखिए मिस टाइपिंग है, सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है। देखिए, जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं इसमें राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि अररिया। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें, आपको बता दूं कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रति माह 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 योजनाओं के अंतर्गत जिलों की उपलब्धियों के आधार पर समेकित रैंकिंग जारी की जाती है, और इस रैंकिंग में जिले के विभिन्न योजनाओं के या फिर विभिन्न योजनाओं में की गई प्रगति के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। और रिसेंटली सितंबर 2024 में जो रिपोर्ट जारी हुआ है इसके अनुसार अररिया जिला शीर्ष पर रहा है पूरे बिहार में, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जबकि मधुबनी जिले को निम्नतम स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो सूची हमने आपके समक्ष रखा है, शीर्ष तीन जिलों की बात करें तो अररिया इसमें पहले स्थान पर रहा। समग्र स्कोर जो अररिया का रहा वो 76.22% या फिर 76.22 रहा, प्रतिशत नहीं बल्कि 76.22 रहा अंक। और वहीं पर बक्सर की बात करें तो 74.90, नालंदा की बात करें तो नालंदा का स्कोर रहा 74.21। वहीं पर अगर हम अंतिम से देखें तो जो शीर्ष तीन जिले हैं अंतिम में अगर हम बात करें, निम्नतम की बात करें, तो उसमें पहले नंबर पर आ जाता है मधुबनी, जो कि सबसे अंतिम पायदान पर रहा। सेकेंड लास्ट में आता है मधेपुरा, फिर आता है वैशाली। ये चीजें आपको ध्यान रखना, सितंबर 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है। अच्छा, जो तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, आपको बता दूं आपसे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में है, यानी कि बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में है। जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिहार के अररिया जिले में स्थापित बायोडाइवर्सिटी पार्क का ये जो मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, या फिर आप बोल सकते हैं ये मेन एंट्रांस है बिहार के पहले बायोडाइवर्सिटी पार्क का, जो कि बिहार के अररिया जिले के कुशियार गांव में है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर विजिट किए हैं तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखने लायक उतनी कुछ खास चीजें नहीं है, लेकिन जैव विविधता पार्क में जो सारी चीजें विशेषताएं होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात और, जो विकल्प आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आपको दिख रहा है, ये जो चार जिले बिहार के हैं ये सभी जिले पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आपको हमने कई बार बतलाया है कि बिहार को 9 डिवीजन में बांटा गया है, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। उसी में से जो पूर्णिया प्रमंडल है उसमें चार जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो 7 निश्चय योजना की हम बात कर रहे हैं ये बिहार सरकार की, या फिर यूं बात करें नीतीश कुमार की, ये महत्वाकांक्षी योजना है,
जो इसका पार्ट वन यानी कि फेज वन था, 2015 में शुरू हुआ था, 2020 तक संचालित हुआ, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें फेज टू की, तो 2020 से ये मतलब इसकी शुरुआत हुई है, और इसके अंतर्गत जो चीज़ें निहित है वो पूरी डिटेल यहाँ पर पॉइंट वाइज आपके समक्ष रखा गया है। हमने पहले भी कई बार आपको बोला है कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न अराइज होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या सात निश्चय पार्ट टू के अंतर्गत निहित नहीं है या फिर निहित है, इस तरह के विकल्प आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, 2023 में बिहार का जो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था उसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, वो यहीं से लिया गया था, सात निश्चय पार्ट टू से है। लेकिन इस वर्ष 2024 में जो 112वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का, मतलब इस अवसर पर किसी भी प्रकार की कोई राजकीय समारोह या फिर राजकीय उत्सव आयोजित नहीं हुआ, जिस वजह से इस वर्ष में 112वें स्थापना दिवस का कोई निर्धारित थीम नहीं है। इस बात को भी आप लोग बखूबी ध्यान रखेगा, अन्यथा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे तो एक अंक हाथ से निकल जाएगा, और ऊपर से आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ से आपको बचना है। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा। जो घोषणा हुई है, घोषणा के आधार पर जो बिहार के मड़ौरा में, जो मड़ौरा सारण में जो खास करके रेल इंजन कारखाना है, यहाँ पर बनने वाले जो रेल इंजन है उसको निर्यात किया जाएगा अगले साल से अफ्रीकी देशों में। ठीक है, अब यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यों की बात करें, आपको ध्यान रखना है कि बिहार के सारण जिले में स्थित मड़ौरा से बनने वाले रेल इंजन से अफ्रीका के विभिन्न देश की रेल पटरियां पर ट्रेनें दौड़ेगी। दरअसल आत्मनिर्भर भारत के तहत यानी कि इस योजना के तहत अफ्रीकी देशों में मड़ौरा रेल इंजन कारखाना से 2025 से इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव का निर्यात किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। और ये पहली बार है जब इस संयंत्र से या फिर यह संयंत्र एक वैश्विक ग्राहक को निर्यात के लिए लोकोमोटिव का निर्माण करेगा, यानी कि रेल इंजन को लोकोमोटिव कहा जाता है, ये पहली बार ऐसा है जब इसका निर्यात किया जाएगा। आइए, अब यहाँ पर इसको लेकर कुछ जानकारी मैं और भी आपको दे दूँ। दरअसल बिहार के सारण जिले में स्थित मड़ौरा रेल इंजन कारखाना में सितंबर 2018 से उत्पादन शुरू हुआ है। 70 एकड़ में फैले हुए इस रेल इंजन कारखाना या फिर रेल कारखाना का जो शिलान्यास है 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि अभी ये चीजें खबरों में है तो संबंधित तथ्यों को जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी ऑलरेडी आप सभी को मालूम होगा, दरअसल 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधेपुरा इलेक्ट्रिक रेल इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, और इसकी खास विशेषता यह है कि यहाँ पर देश की सबसे पावरफुल इंजन को तैयार किया जाता है। कहाँ पर? तो मधेपुरा बिहार में। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 10 अप्रैल 2018 को। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है, जहाँ से एग्जाम में मुझे लगता है कि प्रश्न अराइज हो सकते हैं। चलते हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 24 सितंबर 2024 को नेपाल की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इनका नाम है हरिणी अमर सूर्या, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, 24 सितंबर 2024 को हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। वह अपनी पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर की पहली प्रधानमंत्री है, यानी कि अगर उस पार्टी के दृष्टिकोण से देखें जिससे जुड़ी हुई है, जिसका नाम है नेशनल पीपुल्स पावर, इस पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाली ये पहली महिला है। हालांकि वह श्री बाबू भंडार नायके और चंद्रिका कुमार तुंगा के बाद श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, क्रमशः ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ओवरऑल देखें तो ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। अच्छा, यहाँ पर जो श्री माओ भंडार नायके के बारे में हमने लिखा, दरअसल 21 जुलाई 1960 को श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका वो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। आपसे ये अगर पूछा जाए पूरी दुनिया में सबसे पहली बार पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में नियुक्त हुई, कब नियुक्त हुई, उनका नाम क्या है,
तो इस वाले पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो आंसर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। 21 जुलाई 1960 को श्रीलंका में सिरिमाओ भंडार नायके के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी। अच्छा, एक बात भारत के संदर्भ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है और वह पहली बार 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी बेअंत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये सारी बातें अलग एक टॉपिक हो जाता, हालांकि हमने जानकारी दिया भी है। फिलहाल यहां पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत की उस नई एयरलाइन का नाम क्या है, या फिर नई एयरलाइंस कंपनी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परिचालन शुरू करने की मंजूरी मिली है। तो इस एयरलाइन का नाम है शंख एयर। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आपको बता दूं कि शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली भारत की नवीनतम एयरलाइन शंख एयर को परिचालन शुरू करने के लिए 24 सितंबर 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। कब मिली? तो 24 सितंबर को। और इसे नया एयरलाइंस जो बनी है, मतलब इसका नाम क्या है? तो शंख एयर। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि यह उत्तर प्रदेश की पहली विमानन कंपनी होगी जिसका केंद्र जो होगा लखनऊ और नोएडा में होगा। ये पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहां पर इतनी ही जानकारी है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो महत्वपूर्ण बातें यहां पर हमने बतलाया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 24 सितंबर 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के कौन से सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो ये इसका 41वां संस्करण का शुभारंभ किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अतः यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन हाल ही में, या फिर कौन सा देश हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बना है? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि थाईलैंड। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि थाईलैंड हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला, जबकि ओवरऑल एशिया की बात करें तो एशिया का तीसरा देश बना है। यहाँ पर दोनों कैटेगरी को ध्यान रखिएगा, सिर्फ एशिया बात करें तो एशिया का ये तीसरा देश बना है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात हो तो ये पहला देश है थाईलैंड, जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया गया है। दरअसल यह कानून अगले 120 दिनों में यहां पर प्रभावी होगा, जिससे समलैंगिक जोड़े कानूनी तौर पर विवाह बंधन में बंध सकेंगे। ये ध्यान आपको रखना है। आपको बता दूं कि एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड अब तीसरा देश बन गया है जहां पर समलैंगिक जोड़ों को शादी करने का अधिकार दिया गया है। दरअसल ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि ताइवान द्वारा वर्ष 2019 में और नेपाल द्वारा वर्ष 2023 में समलैंगिक विवाह को वैध किया गया था। और कुल मिला के यहाँ पर स्टोरी यह है कि अब जो थाईलैंड जो इस तरह के मान्यता देने वाला देश बना है, ये ओवरऑल एशिया का तीसरा देश है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हालिया जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य है? हमें सत्य मिलान की पहचान करना है। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स में जो प्रथम स्थान मिला है, देखिए सब में शीर्ष स्थान ही लिखा गया है, तो शीर्ष स्थान जो मिला है वो अमेरिका को दिया गया है, यानी कि अमेरिका इसमें शीर्ष पर है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि एशिया पावर इंडेक्स की शुरुआत वर्ष 2018 में लावी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में सालाना आधार पर 27 देशों की स्थिति का आकलन कर ताकतवर देशों की एक सूची तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो, और अभी इसमें एक बड़ा चेंज ये देखने को मिला है कि इस वर्ष जो रिसेंटली ये जारी हुआ एशिया पावर इंडेक्स, इसमें देखने को मिला कि जापान को पछाड़कर भारत अब तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। और ये न्यूज बहुत ज़्यादा खबरों में है और ये तमाम बातों को जरूर ध्यान रखेगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के नाम यहाँ पर दर्ज हुई है। अच्छा, इंडेक्स में अगर हम तीन नहीं बल्कि चार शीर्ष देशों की बात करें तो अमेरिका 81.7 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, फिर चाइना आता 72.7 अंक के साथ, फिर अपना भारत आ चुका है तीसरे स्थान पर 39.1 अंक के साथ, जबकि जापान अब इससे पीछे हो चुका है, जापान का अंक है 38.9 अंक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए, एशिया पावर इंडेक्स से जुड़ी हुई ये तमाम बातें, खास करके ये आंकड़े भी आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में
प्रश्न के रूप में अराइज हो सकते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में 23 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से कहां समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है, तो राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। आपको बता दूं यहां पर कि हाल ही में नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 23 सितंबर 2024 तक 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर थे। इस दौरान 23 सितंबर को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक संस्थाओं में सुधार का मुद्दा उठाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। खास करके ये यहाँ पर आप ध्यान रखेगा, इस समिट ऑफ द फ्यूचर में नरेंद्र मोदी जो संबोधित किए, इसमें जो उन्होंने मुद्दा उठाया ये वैश्विक संस्थाओं को सुधार करने का मुद्दा उठाया। और यह सम्मेलन की बात करें, यह सम्मेलन जो आधारित थी किस थीम पर थी, तो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान इसी थीम या फिर विषय पर आधारित थी। अच्छा, अमेरिकी दौरे के दौरान ही नरेंद्र मोदी 21 सितंबर 2024 को विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में आयोजित 6वें वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिए। और इस 6वें वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया गया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि डेलावेयर में ही जो बाइडेन का घर है, यहाँ पर भी ये विजिट किए थे नरेंद्र मोदी। बकायदा एक वीडियो भी इन्होंने जारी किया था ट्विटर पे। ये तमाम बातें आप लोगों को मालूम होगा। ये तमाम जो न्यूज आप लोगों को एक जगह मिल रही है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। इसमें कोई भी चीज एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में लगे हैं तो करेंट अफेयर्स में वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्रश्न कहाँ से अराइज हो सकता है, तो जितना पॉसिबिलिटी है, जो भी संभव है, जो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो चीज़ें इस सीरीज में हम बखूबी 100% शामिल करने का प्रयास करते हैं। बस आप लोगों का काम क्या है कि चीज़ों का बेहतर तरीके से पढ़िए और उसे याद रखिए। एकदम से आप लोग न्यूज खोजने पर भरोसा मत कीजिए। न्यूज ढूंढेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। हम यहाँ पे बना बनाया हर चीज़ आपको दे रहे हैं। वीडियो मिल रहा है और पीडीएफ मिल रहा है। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। चलिए नए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अगले वर्ष 2025 में 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसकी मेजबानी अपना भारत करेगा, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी जो 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, कहां पर आयोजित हुआ, तो डेलावेयर अमेरिका में आयोजित हुआ, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वाड देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है। इसका जो पूरा नाम है क्वाड का, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हालांकि इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका कोई केंद्रीकृत मुख्यालय नहीं है, बल्कि एक मतलब साल के लिए ये मेजबानी रहती है इन चारों देशों के पास। अच्छा, इसका उद्देश्य की बात करें तो रणनीतिक सुरक्षा संवाद और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, ये इसी विषय पर आधारित है, यही इसका मूल उद्देश्य है। फिलहाल यहां पर इतनी जानकारी है, ध्यान आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 20 सितंबर 2024 को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम क्या है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि विनोद बच्चन। आपको बता दूं कि प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को हाल ही में यूके संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो एक पॉइंट है ही इंपॉर्टेंट। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है, तो उन्हें यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें, तस्वीर के भी माध्यम से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में सितंबर 2024 में एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये उड़ीसा की रहने वाली है। इनका नाम है प्रत्याशा रे, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उड़ीसा की प्रत्याशा रे को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2024 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल ये तस्वीर उस समय की है जब फरवरी 2024 में गुवाहाटी में ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हुआ था, और इस गेम्स में इन्होंने 6 पदक अपने नाम किया था, जिनमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक, यानी कि 4 गोल्ड और 1-1 ब्रॉन्ज तथा सिल्वर मेडल शामिल था। और ये 6 पदक जीतकर इन्होंने इस प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जिस उपलब्धि को लेकर अभी हाल ही में 2024 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम है प्रत्याशा रे और रहने वाली है उड़ीसा की। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने भारत के आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान को किस प्रतिशत पर बनाए रखा है, यानी कितना बनाए रखा है। राइट आंसर होगा 6.8% पर यह बरकरार रखा गया है, अतः विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल
बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है। आपको ध्यान रखना 24 से लेकर 26 सितंबर तक ये दौरा किया गया है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तमाम जानकारी आपको दी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और सभी लोग वहां पर लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पर आते हैं, जो जानकारी हमने आपको दिया था इस कोर्स के बारे में, तो आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर इसे ज्वाइन करने का भरपूर फायदा आपको मिलेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।